मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो? मैं हूँ मेहता मलिक और आप देख रहे हो मलिक ब्लॉग। तैयार हो गए हैं और संडे है आज, और चलते हैं देखते हैं कहाँ जाना है। वो बाहर निकल के ही पता लगेगा। अभी निकलते हैं घर से बाहर, और मना घर पे ही है आज, छुट्टी है मना की, और कल की भी छुट्टी है इसकी, रक्षाबंधन की, और इसकी शाम को इसके लिए राखी भी लेनी है। शाम को नहीं होगी। तो फ्रेंड, शेप करा लिया है और अभी निकलते हैं जहाँ जाना है, देखते हैं कहाँ जाना है। तो निकलते हैं यहाँ से एक बार, तो मोटरसाइकिल नई वाले में जाएंगे जाएंगे हीरो HF डिलक्स में। तो फ्रेंड, जैसा कि अब तक आपने देख लिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उत्तराखंड, एंटर कर चुके हैं और उत्तराखंड की राजधानी जा रहे हैं देहरादून, वहाँ घूमने जा रहे हैं। और जिम्मी मेरे साथ है, निकलते हैं यहाँ से। फ्रेंड, जैसे हम आते हैं पौंटा साहब से अपना देहरादून को, जैसे आ रहे हैं तो ये पहला शहर है हरपटपुर, और यहाँ हम पहुँच चुके हैं, देखता है पीछे और निकलते आगे। अभी पहुंचे हम दूसरे उसमें, साइंसपुर में पहुंच गए हैं, और देखो बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं उनकी छुट्टी हुई है, क्योंकि इनको संडे वाले दिन स्कूल जाना पड़ता है और शुक्रवार की इनकी छुट्टी होती है। देखो कितने बच्चे हैं, और ये साइंस पूर है, और बारिश हो रही है यहाँ हल्की हल्की। तो फ्रेंड, इस टाइम हम पहुँच गए छैलाकुई, पहुँच गए, और छैलाकुई की मेन मार्केट है, और थोड़ा सा दूर रह गया देहरादून वहाँ से ना। फ्रेंड, अभी हम पहुँच गए हैं अपना देहरादून के प्रेम नगर में, पेट्रोल पंप पे खड़े अभी, क्योंकि जाना है देहरादून, देखते हैं देहरादून पहुँच के मिलते हैं आपको। प्रेम नगर, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं, हम देहरादून पहुंच गए हैं और घंटा घर के सामने खड़े हैं।
अभी ये रोड जा रहा है इधर को राजपुरा और घंटाघर, और हम लैटो पे खड़े हैं फिलहाल। और खाने के लिए देख रहे हैं कुछ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हम, और आप देख सकते हो जिम्मी मेरे साथ हैं, और यहाँ पर आज मंत्री भी आए हुए हैं, इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा है। हम आए हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में, यहाँ 15 अगस्त की परेड हुई थी, और उसके सामने ही पार्क है, वो भी दिखाते हैं आपको। ये ऊपर बादल देखो कितने घने हुए हुए हैं, प्रेयर ग्राउंड के बिल्कुल सामने ये था पार्क जो कि महात्मा गांधी जी के नाम से है, और हम यहाँ से गलत चले गए थे। तो फ्रेंड अभी हम पहुँचे हैं निशान साहब गुरुद्वारा जो कि देहरादून के अंदर ही है, अपना रेलवे स्टेशन के पास है। अभी दिखाते हैं आपको एक झलक, हम गुरुद्वारे के अंदर आ चुके हैं। देख रहे हैं यहाँ पर बैठने का छोटा सा पार्क बनाया हुआ है, और यहाँ अपना जूता वगैरह चप्पल वगैरह हम यहीं उतारेंगे अपनी। ये देखो और ये मेन डोर, चलते हैं अंदर। शेंडलर लगा हुआ बढ़िया वाला, अभी लग रहा है काम चला हुआ इधर। सीढ़िया और रैंप दोनों चीज़ें हैं, रैंप भी बनाया हुआ, सीढ़ियाँ भी हैं, और हम अंदर आ चुके हैं गुरुद्वारे के। अकरम तो जिम्मी का पहले गया हुआ है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम जो है बैक साइड से आए थे, मेन एंट्रेंस तो यहाँ से है, एक बार आपको दिखा देते हैं मेन एंट्रेंस। यहाँ से है मेन एंट्रेंस, और यहाँ सूचना भी लगी हुई है। और ये मेन एंट्रेंस यहाँ से है, वैसे मेन एंट्रेंस मैंने दिखा दिया, हम आए थे बैक साइड से। और ये देखो अरे सामने देखो, दर्शन कर लिए हमने, और अपने जूते उठाते हैं और बैठते हैं, और फिर चलते हैं यहाँ से ना। हम निकल चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, और देखो, और ये बैक साइड था, बैक साइड से बाहर निकल गए हम, और अब निकल देखते हैं कहीं पर लंच करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। चलो
पे लड्डू, राम लड्डू। अच्छा, दाल वाले, दाल वाले। तो लगा दो, दो प्लेटें लगा दो इसके ना। दोनों पाव चटनी है, दोनों पाव चटनी बेटी, दोनों पाव के। तो भी गुरुद्वारे के बाहर ही खड़े हैं, अपना राम लड्डू बेच रहे हैं, दाल वाले लड्डू करते हैं शायद इनको, और करते हैं इनको ना, भूख सी लग रही थी, बाकी बाद में लंच करते हैं ये खाने के बाद में। बनाते हुए और ये यहीं इसी के बाहर करते हो आप? एक डेढ़ घंटा खड़ा, एक डेढ़ घंटा करते हैं। अच्छा अच्छा, गुरुद्वारे के बाहर करते हैं एक डेढ़ घंटा। ये अपनी प्लेट आ गई है और खाते हैं, टेस्ट देखते हैं कैसा है। फ्रेंड अभी आ गए हैं बस स्टैंड, और आपने देख लिया होगा बस स्टैंड के सामने बैठे हैं और बिरयानी करी है ऑर्डर, बिरयानी करते हैं बस स्टैंड। अपनी बिरयानी आ गई है, अकरम तो खाने भी लग गया, और अपना फ़ोन आ गया था अली भाई का, तो उसके साथ बात कर रहे थे, और अभी शुरू करते हैं खानी। तो फ्रेंड मुरादाबादी बिरयानी खा ली है, बहुत स्वाद थी, और अभी फ़िलहाल हम बस स्टैंड के पास ही है, और मौसम हो गया पूरा बारिश वाला, ऊपर देखो। बाकी निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ जाना है, वैसे तो घर वापस जाना है, उसके बाद देखते हैं। बारिश हो गई है शुरू, और रुकना पड़ गया आपको। और यहाँ पक्का ज़्यादा वहाँ रुके, अभी महिंद्रा के शोरूम में आए थे, पर यहाँ पर थार देखने आए थे फाइव डोर वाली वगैरह, अभी नहीं आएगी, अगले महीने आएगी। और अभी यहाँ से चलते हैं घर वापस, बारिश बंद हो चुकी है, बारिश फिर दोबारा तेज हो गई, और हमें भी फिर दोबारा रोकना पड़ रहा। पीछे देखो कितनी तेज बारिश थी, और यहाँ देखो बारिश ही नहीं है बिल्कुल भी। और मेरी पैंट भीग गई है नीचे से, और यहाँ देखो बारिश ही नहीं है। तो फ्रेंड शाम के बजने वाले हैं 5, और हम पहुँचे हैं बुद्धा टेंपल में, और रास्ता दिखाता हूँ कहाँ से है। एंट्रेस है बुद्धा टेंपल की, सामने से पार्किंग है, और चलते हैं अंदर ना। गाड़ी खड़ी कर दी, अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है, और ये सामने टेंपल की एंट्रेंस, और बोर्ड लगे हुए सामने पूरी, यानी कि मैप वगैरह दिखाया हुआ कैसे क्या है। और ये ये देख रहे हो सामने आप उधर टेंपल का, टेंपल मैंने दिखाई दिया आपको, और ये देखो
अच्छा, अब वो बातें बाकी बाकी भी गलती ना यार, जब वो मर को सारो, अब वो आ रहा ना आरो बात। मूंगफली बादाम खाना सख्त मना है। सामने कार खड़ी है। आपको फ्रंट से दिखा दिया मैंने अंदर, और ये बैक साइड में ये देखो कलाकृतियां लगी हुई हैं, लकड़ी की है शायद ये सारी, आगे तक लगी हुई है सारी। और सामने है मार्केट जो कि मंदिर के अंदर ही है। अभी मार्केट दिखाएंगे आपको, फिलहाल ये कमरे है मंदिर में ही बने हुए, और ये इस साइड से देख लो, और ये मूर्तियाँ यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो रही है। कृपया पेड़ पौधों को ना छुए, पेड़ पौधों को भी नहीं छूना यहाँ पर। और ये देखो ये मार्केट है, चलते हैं मार्केट दिखाते हैं आपको। यहाँ से शुरू हो जाती है मार्केट, ये पहली दुकान है। और ये देखो एंटीक पीस, ये देखो सभी दुकानें ऐसी ही है यहाँ पर ना, एंटीक पीस वाली। कैफे आ गया यहाँ पर, फूल कितने बढ़िया, और ये फ्रंट। तो फ्रेंड अभी कर रहे हैं थोड़ा सा आराम, थकावट भी होगी पैदल चलने के, और एक दो किलोमीटर पैदल चलने होंगे, पूरा घूम लिया हम। और ये देखो टेम्पल के साथ ही बैठे हैं अभी फ्रंट में, यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर तक, चलते हैं फिर घर। तो फ्रेंड पूरा मंदिर दिखा दिया आपको, और बैक साइड दिखाई नहीं, जो ये पीछे है जंगल है सारा, ये देखो। अरे जंगल हरिद्वार तक है शायद, है ना, हरिद्वार तक है जंगल। और निकलते हैं अब यहाँ से ना, इसमें थोड़ा सा भीगने के कारण अपना जूते गिले हुए हुए और जराबे गिली है, पैरों में दर्द होना शुरू हो गया है, और निकलते हैं यहाँ से। जलाई भी है जोत, और ये अपना मंदिर के बारे में बताया हुआ, रोक के पढ़ लेना वीडियो,
और मेन गेट से बाहर निकल चुके हैं हम, और अब चलते हैं मोटरसाइकिल की तरफ और उठाते हैं और चलते सीधा पौंटा साहब। और इधर है कंटीन और बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है। जिम्मी का रास्ता रोक लिया था इसने। ओ देखो भाई साहब देखो, और जो ये बोर्ड लग रहे हैं, बोर्ड लगा रही है उत्तराखंड सरकार, सभी दुकानों पे दिख रही है आपको ना। ये देखो रुके हैं ठंडा पीने, जीरा लाहौर जूरे लेते हैं। ये बोर्ड लाल क्यों कर दिए यहाँ पर? बोर्ड भी लाल कर रहे हैं, नगर निगम आ गया ना ये लाल, सारे लाल कर दिए हैं। फ्रेंड पूछा है हमने यहाँ पर तो दुकान पे, जो जो एरिया नगर निगम में आ रहा है वहाँ सभी में ये लाल बोर्ड लगे हुए हैं, जितना भी एरिया नगर निगम में। पहले यहाँ पर चाय पत्ती की खेती होती थी, अब भी चाय पत्ती के भुट्टे हैं इसमें, पर बीच में देखो झाड़ियाँ भी लगी दूसरी है ना, ये चाय पत्ती का बाग है सारा यार। इधर इधर सड़क के दोनों तरफ और इधर सीधा जाके भी सारा ही चाय पत्ती का बाग है। बारूमल के नाम से चाय पत्ती आती है यहाँ पर अब तो कोई कर ही नहीं रहा है यहाँ पर चाय पत्ती का काम ना, वजह से बाजार में है भीड़। ये देखो कल रक्षाबंधन है और मार्केट में भीड़ हुई है, जाम लगा हुआ है। तो फ्रेंड पहुंच गया घर पे और मना राखी भी ले आई, दिखा रही है मैंने मुझे राखी, दिखाता हूँ आपको। ये है अंशु भैया की, ये अंशु भैया और रौनक भैया की, ये भी अंशु भैया की और ये रौनक भैया की और ये नन्नू। फ्रेंड अपना खाना खुना भी खा लिया, बहुत टाइम हो गया। और आज आपको जैसे पता है कि हम देहरादून गए थे, देहरादून में बौद्धा टेम्पल और अपना चड्डा साहब जो गुरुद्वारा है वहाँ भी गए थे, निशान साहब गुरुद्वारा, चड्डा साहब कह रहा मैं, निशान साहब गुरुद्वारे में भी गए थे। आपने पूरी वीडियो देखी होगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना तो भी आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और अगर आप देहरादून में और कोई चीज़ देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना अगली वीडियो किसके ऊपर बनाऊँ।